अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है। इस पेंडेमिक के जरिए इतने लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि क्या करें, कैसे इससे बचें। और ऐसे में एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह आपके लिए बेहद मायने रखती है। हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसे डॉक्टर से आपसे मिलवाएं जो आपको अच्छी सलाह दे सकें ताकि आप इससे बचे रहें। इस वक्त हमारे साथ मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर डॉक्टर प्रदीप महाजन साहब हमारे साथ हैं। आप कैंसर के इलाज के लिए स्टेम सेल जो थेरेपी होती है उसके जरिए आप कैंसर के इलाज के लिए इंडिया के टॉप डॉक्टरों में आपका नाम शुमार है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इस वक्त आप हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरह का आप देख रहे हैं कि माहौल है, पेंडेमिक है और बेहद गंभीर स्थिति चल रही है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या लग रहा है ये कोरोना का प्रकोप किस तरह का और कैसे इसे बचा जा सकता है? आज की जो मुलाकात आपने मुझे बुलाई है कोरोना के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखो कि कोरोना ये कोई हमारा दुश्मन है नहीं है। ये हमारे विश्व में पिछले 10,000 साल से रह चुका है। और ये कोरोना हमारे लिए एक कॉमन सेल बोल के हमारे बॉडी में रह चुका है, एनिमल्स में रह चुका है। इसलिए हमको कोरोना से इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे कर्मों का पेंडेमिक जो हम बता रहे हैं, यस, इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से सारे विश्व के 200 प्लस देशों में इसका प्रादुर्भाव हो चुका है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रादुर्भाव जो भी हो चुका है, मगर ये इतना विरुलेंट नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी जान चली जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब लोगों ने ये समझना है कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, जैसे कोई कॉमन कोल्ड होता है, उसी तरह का एक इन्फेक्शन है। मगर ये थोड़ा ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो इसमें हम हमारी प्रतिकार शक्ति का रोल कितना इम्पोर्टेंट बढ़ा सकते हो, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये 10 साल से रहने पर हमको इन्फेक्ट नहीं कर चुका, आज क्यों कर रहा है? और इसलिए कर रहा है कि विश्व की इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो चुकी है। हमारी इम्यून सिस्टम ही बहुत कमजोर हो चुकी है। हमारी इम्यून सिस्टम यदि हम सबसे अच्छे ऊपर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो शायद ये हमारी पहली स्टेप होगी कोरोना से बचने की। दूसरी बात रहेगी, ये जितना भी स्प्रेड करेगा और जितना ही हम उसको मारने की कोशिश करेंगे, वैसे तो ये कोरोना वायरस कोई जिंदी चीज नहीं, एक आरएनए है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो 30,000 बेस से बनता है, मगर उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। इसको मारने का मतलब मारना नहीं, डीएक्टिवेट करना है। उसको डीएक्टिवेट करना है, उसकी एक्टिविटी बंद करना है। उसकी इसका मतलब है उसके ऊपर का जो एक लिपिड का एनवलप है उसको ब्रेक करना है। यदि उतना ही ब्रेक करेंगे तो हमारा काम हो गया। इसमें हमको कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जैसे मैंने बताया, इस वायरस का जो कॉमन इन्फेक्शन हो सकता है सांस की नली से या तो गैस्ट्रोएंटरल ट्रैक्ट से, उससे हमको रोकने के लिए हमको हमारे आदतें बदलनी है। हमारी आदतें यदि हम बदलेंगे, जो क्लीनलीनेस की तरफ होती है, आइसोलेशन की तरफ होती है, हाथ धोने की होती है, डिस्टेंस रखने की होती है, बाहर कम जाने की होती है, जहां तक वो खुद को प्रोटेक्ट करने की होती है, मुंह को हाथ नहीं लगाने का होता है, बार बार हाथ धोने का होता है, ये सिंपल चीजें यदि हमने हमारे आत्मसात कर ली तो हमारा 80% प्रोटेक्शन हो चुका। इसमें हम जिस तरह से मास्क मैंने पहना है, उसका मास्क भी हम रेगुलर यूज करेंगे तो हम 90% प्रोटेक्ट हो चुके हैं इससे। क्योंकि ये जो वायरस स्प्रेड होता है, ये हमारे ड्रॉपलेट से हो सकता है या तो एरोसोल से होता है। इसका एक साइज होता है 5 माइक्रोमीटर का। यदि 5 माइक्रोमीटर का से नीचे होगा तो हमारे 3 से 6 फुट के अंदर तुम्हारी थूक गिरेगी। और उससे कम होगी तो उससे दूर जाएगी, 6 मीटर तक जाएगी। ये सब बेसिक नॉलेज यदि हमको होगा तो हम उससे उस प्रादुर्भाव से हम बच सकते हैं, आराम से बच सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी आदतें हमको सीखना है, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोरोना को मारने से ज्यादा पर्सनल प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी ये वायरस जो आया है ये 2 दिन में जाने वाला नहीं, 1 महीने में जाने वाला नहीं, 2 महीने, ये हमको अब उसके साथ में जीना है। 6 महीने रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, तो आदतें बदलेंगे तो शायद हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे खुद को। इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह की अभी मुंबई में हालत आप देख रहे हैं, इसको वायर पंद्रह, जिस तरह की आप सब मुंबई में हालत देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर इसका हाहाकार, जैसे
मतलब एक तरह का शोर मचा हुआ है कि बहुत ज्यादा इसका प्रकोप बढ़ने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि बतौर डॉक्टर जो कि इसमें इतना घबराने की जरूरत है क्या, क्या वाकई इतना है कि इसमें हाहाकार मच गया और इसे इस तरह से घबरा के रहने की जरूरत है? जिस तरह से WHO ने इसको पैंडेमिक बोल के डिक्लेयर किया है, इसका मतलब है कि दुनिया के 80% देशों में इन्फेक्शन पहुंच चुका है। 80% देशों में हमको ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास में चाइना, इटाली, स्पेन के बाद में डिजीज चालू है। इसका मतलब हमको काफी सीख मिल चुकी है। बिल्कुल हाँ। उन लोगों ने किस तरह से मैनेज किया, उसको मैनेज किया। बिल्कुल हाँ। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। इसलिए हम उस सीख को बेस रखकर यदि मैनेज करेंगे तो शायद इसका हाहाकार न हो, हाहाकार न हो। पहले तो हमने जैसे बताया वो बेस लाइन को लेकर हमको यदि हमारी आदतें यदि बदलना है, सोशल डिस्टेंसिंग को जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं उसको यदि जोड़ देंगे हम तो हमारा 50-60% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम जब यूज करेंगे और 30-40% कम हो गया तो हमारे को डर कितना है, 10-20% का डर। मतलब 10-20% में डर जैसा है कि एज पॉपुलेशन का है, यंग पॉपुलेशन में हमें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट डर की बात यह है कि ये डिजीज जब तुमको होता है ना, इनमें दो टाइप के पेशेंट होते हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं असिम्टोमेटिक पेशेंट। असिम्टोमेटिक पेशेंट हमारी रिस्क है। सिम्टोमेटिक यदि है, तुमको बीमारी दी, हमको मालूम है, तो हम तुमको पहले से ही ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, अलग करेंगे, सब करेंगे, तो उनका हमको डर बिल्कुल नहीं है। डर है हमारे को असिम्टोमेटिक पेशेंट का। यदि असिम्टोमेटिक पेशेंट को हमने यदि मैनेज करना सीख लिया, मैनेज का मतलब क्या, इंडिविजुअल केयर क्वारंटाइन, जब तुमको मालूम हो सकता है कि हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस है तो तुमको सेल्फ क्वारंटाइन करना जरूरी है। वो 15 दिन तक भी करेंगे तो योर डिजीज इज गॉन। वो असिम्टोमेटिक लोग जो है वो ये डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं। दूसरी बात कैसी है, हमारी जो इम्यून सिस्टम जो होती है कॉम्प्रोमाइज लोगों में, जिनमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ऑटो इम्यून डिजीज है, कैंसर है, इनकी इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होते हैं। और उनकी इम्यून कमजोर सिस्टम वो डिजीज से फाइट करने में परेशान है। और उसमें भी हमने ये डिजीज ला लिया तो हमारी इम्यून सिस्टम इसको कोप नहीं कर सकती है। okay. ये सिंपल फिजियोलॉजी है। हाँ, ये सिंपल है। हमारी इम्यून सिस्टम जो एग्जिस्टिंग डिजीज को फाइट कर रही है वो इम्यून सिस्टम को यदि हमने दूसरा ऐसा वायरस का डिजीज लाएंगे जो इम्यूनिटी से बढ़ता है, इम्यूनिटी की वजह से बढ़ता है, तो शायद हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी मॉर्टेलिटी बढ़ती है। वरना यदि हमने ये चीज को यदि कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसको समझने की कोशिश कर ली, उस रेशियो में हमने हमारे बेड्स, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया तो शायद हाहाकार ना हो। और शायद गवर्नमेंट कर रही है, लोगों को भी उसका साथ देना जरूरी है, मेडिक्स, पुलिस, ये जो भी एहतियात से मेहनत कर रही है, शायद हम उसका एहसास नहीं समझ रहे, लोग नहीं समझ रहे। यदि वो समझेंगे तो शायद हम ये डिजीज को रोक सकेंगे। सर, जिस तरह का लॉकडाउन पिछले 45 दिनों से अभी चल रहा है और लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कई बार तो कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कई लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं कि वो दूसरी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से लॉकडाउन को इतना सख्ती से लागू किया गया, इसमें कुछ तो शिथिलता देने की या कुछ ढील देने की जरूरत है, अन्यथा लॉकडाउन से ये जो पेंडेमिक है इससे, ये कोरोना से ज्यादा तकलीफ दूसरी चीजें हो सकती है, दूसरी बीमारियां उनको फ्रस्ट्रेशन से हो सकती है, आपको ऐसा नहीं लगता? ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। ये प्रश्न ये बताता है कि लॉकडाउन और कोरोना और बाकी जिम्मेदारियां जो है कैसा बैलेंस की जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लॉकडाउन पहला तो बहुत जरूरी था, जिसमें हम रोग की जो वायरस की जो साइकिल होती है वो ब्रेक करने के लिए हम कर सकते थे। वो साइकिल जैसे ब्रेक करेंगे तो लोगों ने समझना चाहिए था कि हमको लॉकडाउन से जो बेनिफिट मिले वो खराब न करे, वेस्ट न करे। आज जो सिचुएशन आई गई है, हम वो लॉकडाउन के बेनिफिट वेस्ट कर रहे, खराब कर रहे, उसका डर है हमको अभी। यदि लॉकडाउन से भी ज्यादा डर है जो लोगों के दिल में कोरोना का भय बैठ रहा है, वो सबसे ज्यादा डरने की बात है। वैसे भी कोरोना ये डिजीज इतना कोई भयंकर है नहीं, मैं रिपीटेडली वही बताऊंगा। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए रिस्क बनता है जिनमें कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है, जैसे तुम्हारे हमारे जैसे लोगों में जिनमें डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन है, वो डिजीज आएगा भी चला भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा।
तो ये डिजीज इतना सिंपल डिजीज है, मगर जो कॉम्प्रोमाइज लोग है उनके यदि हम केयर करेंगे, उनके यदि रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल करेंगे, जैसे कि उनको पास डिजीज नहीं जाना चाहिए, उनको आइसोलेशन रखो, उनको लोगों के कॉन्टेक्ट में मत आए, इंडिविजुअल क्वारंटाइन किया जाए, और उन लोगों को यदि डिजीज होता है तो उस तरह के फैसिलिटीज डेवलप होना बहुत जरूरी है, जिस फैसिलिटीज में जो वेटिंग पीरियड ने हो, इन्फेक्शन यदि होता है तो उनको जब का जब ट्रीटमेंट मिले, वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी हो, आईसीयू की फैसिलिटी हो, क्योंकि ये डिजीज तुमको मारता है हाइपर इन्फ्लेमेशन से। हाइपर इन्फ्लेमेशन है जब वायरस ये ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, एक इम्यून रिएक्शन तैयार करता है, वो इम्यून रिएक्शन की वजह से इंटरफेरॉन गामा बोल के एक मॉलिक्यूल होता है वो बहुत बढ़ जाता है और वो वायरस को मारने के लिए बढ़ता है, पर तुम्हारी इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से तुम वो हाइपर इन्फ्लेमेशन को सहन नहीं कर सकते हो। और जिसकी वजह से पेशेंट एआरडीएस में जाता है। तो ये एआरडीएस का जो पीरियड होता है 8 से 15 दिन का, वो यदि हम कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगे वेंटिलेटर तो से रोका जा सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देशों में हुआ है, जैसे जर्मनी है देखो, रशिया है देखो, हमारे से ज्यादा डिजीज है बट डेथ रेट हमारे से कम है। आप एपीएमसी में अभी आपने अगर रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो एपीएमसी में बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज पाए गए हैं, आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना या जो केयर करने की जरूरत है, जिस तरह से आपने कहा कि सेल्फ क्वारंटाइन की जरूरत है, वो नहीं हो रहा है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं सर, और आप क्या इसमें सुझाव देना चाहेंगे? ये जो अभी आपने जो प्रश्न पूछा है जो एपीएमसी मार्केट का, जब भी हम ऐसी सोशल गैदरिंग की प्लेस, सोशल गैदरिंग बोलो, जहां पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जहां पर बहुत सारी खरीदारी होने वाली है, गर्दी हो सकती है, उसका हमको पहले से मैनेजमेंट करना चाहिए बिफोर ओपन करने के पहले, और लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने ही शॉप्स खोलो और उतनी लोगों को एंट्री दो, एंट्री जितनी वो अकोमोडेट कर सकोगे। हमारे पास यदि ये मैनेजमेंट देती होती है तो हम ये जो इंसिडेंस हो रहे हैं वो कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे कि हमने फिक्स किया कि एपीएमसी मार्केट वीक में से 3 दिन खुलना है, या तो 2 दिन खुलना है, तो 4 दिन खुलना है, तुम उतनी ही लोगों की एंट्री रखो वहां पर जितना वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकेगी, तुम ओवर क्राउडिंग मत होने दो। तो ये शायद मैनेजमेंट का पार्ट है, थोड़ा ये ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऐसे इंसिडेंट्स कम होंगे और ये हो सकता है। सर अभी मुंबई में और ये जो उपनगर है उनको अगर मिलाकर देखा है तो तकरीबन 15,000 के आसपास इस वक्त कोरोना के जो एक्टिव केस जो सामने नजर आ रहे हैं, इसको अब केस तो एक्टिव सामने आ चुके हैं, बहुत सारे लोग और भी अभी जिनकी जांच चल रही है, कुछ जांच में भी जांच की वजह से भी थोड़ी धीमी है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पता नहीं चल सका। आपको लगता है कि जो सरकार ने व्यवस्था की है इसकी जांच के लिए या इसके इलाज के लिए, इसे कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये प्रॉपर इंतजाम जो इस जितनी संख्या उस हिसाब से ठीक लग रहा है या और भी ज्यादा गंभीरता से इसके बारे में कुछ व्यवस्थाएं करने की जरूरत? पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी और ज्यादा गंभीरता से सोच और व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पेशेंट को, हर इन्फेक्शन के पेशेंट को हम टेस्ट नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अच्छे अच्छे एडवांस देश जैसे यूके हो, इटाली हो, यूएस हो, वो भी नहीं कर सकते हैं। पहले तो डिजीज का लिमिटेशन हमको मालूम है 14 से 15 दिन का है, उस पीरियड के बाद में उनको यदि सिम्टम कंटिन्यू रहते हैं तो उन लोगों की टेस्ट की जा सकती है। अच्छा। हर पेशेंट को हम टेस्ट करेंगे तो शायद दुनिया के बनने वाले सब कीट भी कम गिरेंगे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि वो पॉपुलेशन को मैच ही नहीं कर सकेगा। तो ये हमको सेग्रीगेशन करना जरूरी, सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक पेशेंट, किन लोगों को क्वारंटाइन करना है, किन लोगों को सिम्टम्स यदि कम नहीं होते तो किन को टेस्ट करना है, और शायद गवर्नमेंट के जो प्लान डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, SOPs जो दिए है वो उसी तरह से दिए वाले। अच्छा। जो क्वारंटाइन करने के लोगों के लिए क्वारंटाइन बोला है, सेल्फ क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, मास क्वारंटाइन, क्वारंटाइन बना कर दिए उन्होंने, पर लोगों ने उसको फॉलो करना जरूरी है, और उसके बाद में टेस्ट, तुम खुद होकर जाकर यदि टेस्ट करोगे हर जगह जाके तो इट विल बी ए मेस। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि खुद जाकर सेंटर्स को जा रहे, प्राइवेट में जा रहे, टेस्ट कर रहे, फिर पॉजिटिव आए कि इधर उधर भाग रहे, जिसमें से घबराहट पैदा होगी। फिर जो तुम्हारे पास SOP बना कर दी है, रेगुलेशन बना कर दिया है, उसको यदि तुम फॉलो करोगे तो शायद एक सेंटर्स ओपन कर दिए गवर्नमेंट, वो सेंटर्स को जाओ, तुम्हारे को सिम्टम्स है
तो वहां पर पूरा इंफॉर्मेशन तुमको डिस्प्ले है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको यदि कोविड है भी तो तुमको घबराने की बात कोई जरूरत नहीं है। उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी है, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है, उसको क्वारंटाइन भी है, सभी है। पर लोग जो घबरा कर जो मर रहे हैं वो डर की बात, उसे संभालने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आपने बात कही। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि अब ये हम लोग जिस दौर में भी जी रहे हैं, ये बहुत सारी अभी इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसको हमें फिर से अडॉप्ट करना पड़ा है, जिसे हम भूल गए थे। और अब ये नया तरीका जीने का, लोग घरों में 15 दिनों से, 20 दिनों से और 40 दिनों से बंद हैं। बहुत सारे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इतने डिप्रेशन में है कि अब लोग एल्कोहल की डिमांड कर रहे हैं। और इस तरह की चीजें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शा रही हैं कि अब उनका फ्रस्ट्रेशन घरों में कैद रहकर बढ़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को लॉकडाउन को शिथिल करना चाहिए या कुछ दूसरा तरीका अपनाना चाहिए ताकि लोग इस फ्रस्ट्रेशन से बचें? ये जो आपका प्रश्न है ये प्रैक्टिकल प्रश्न है। आज की दुनिया में हमको कोविड के साथ में रहते वक्त क्या करना है? बिल्कुल क्या करना है? पहले तो मैंने कल ही एक लेबर डिपार्टमेंट के लिए टॉक दिया था कि लिविंग विद कोविड, हम कोविड के साथ में कैसे रहे। एक बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री आई थी रिसेंटली लास्ट वीक में, इन ट्रबलिंग टाइम, जब टाइम्स ट्रबल करते हैं तो हम खुद को कैसे खुश रखें, खुद को उस माहौल में पॉजिटिव कैसे रखें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने एक अच्छा टॉक दिया था। उसका मैं कुछ अर्थ बताऊंगा तुमको टॉक में। यहाँ पर एक तो ये क्लियर हो चुका है WHO की तरफ से यार दुनिया में हमको कोविड के साथ में अगला 1-2 साल निकालना है। तो तुमको तो पहले माइंड सेट करना जरूरी है कि हम इसमें से बाहर जल्दी निकलोगे नहीं। तो यदि ये तुम माइंड सेट करोगे तो तुम्हारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अच्छा 90% तुम ये माइंड सेट करो कि भाई ये रहने वाला है अभी हमारे साथ में। और दूसरी बात, ये रहते वक्त हमको कोविड की वजह से कुछ अच्छी बातें मिली है, कुछ बुरी बातें मिली है। बिल्कुल अच्छी बातें मिली है, और हर आदमी को अच्छी बातें लेना बड़ा मुश्किल लगता है, बुरी बातें लेना बहुत आसान लगता बहुत है। आसान, हाँ। जैसी अच्छी बातें है कि स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट रखी उन्होंने, डिस्टेंसिंग रखना रखा है, ये जो बातें अच्छी है। यदि हम सोशलाइजेशन की कम करेंगे और आत्मसात करेंगे तो शायद हमको इस सोसाइटी में जीना विद कोविड पॉसिबल होगा। दूसरी बात, हर ऑप्शन, हर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, ये दुनिया का नियम है। यदि तुम ये दूसरा क्या हो सकता है यदि नहीं सोचेंगे तो देर आर 100 अदर ऑप्शंस, 100 अदर ऑप्शंस लिविंग विद कोविड हैप्पीली। जैसे कि हमकी तुम्हारी इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो रोज एक घंटा डालो ना तुम्हारे इस पर, डाइट की आदतें बदलो, होटल का फूड कम करो, घर में अच्छा खाना बनाओ, अल्कलाइन वाटर पियो, रोज एक घंटा एक्सरसाइज करो, खुद के लिए टाइम दो। कोविड ने तुमको ये तो सिखा दी खुद के लिए टाइम तो थोड़ा सा भी, तो रोज एक घंटा खुद के लिए टाइम दो, खुद की इम्यूनिटी बढ़ाओ, खुद वो चॉइस करो कि जिसमें तुमको पैशन है। समझो तुम्हारे जॉब में जाते हो तुमको स्ट्रेसफुल होती है, देर आर जॉब में जाने की दो तरह के जॉब होते हैं, एक तुम वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम प्लेस भी हो सकता है, फिजिकल होता है। तो इस तरह से तुम्हारे क्राउडिंग भी कम हो सकती है। ये सब ऑप्शंस तुमको डेवलप करना है विद कोविड के अंदर। जो लोग घर से काम कर सकते हैं, जिनका बिजनेस डेवलपमेंट आइडिया हो, जिसका डाटा एंट्री जॉब हो, जिनका कंप्यूटर से काम हो, वो घर से कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली बाहर की ट्रैफिक कम हो जाएगी, ऑफिस में का ट्रैफिक कम हो जाएगा, ऑफिस में का लोड कम हो जाएगा, तो हमारा सोशल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। होटल में जाने का बंद करो, तुम एक साल भर मत जाओ होटल में, घर में खाओ। जाते हो तो सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ होटल अभी ऐसे आ रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि ग्लास पार्टीशन लगाकर कर रहे हैं, तो वो भी सिक्योरिटी बना रहे। जो भी आदमी जब एक रास्ता बंद होता है नया रास्ता निकलता है। होटलिंग में मैंने बताया कि दो टेबल है, दो टेबल के बीच में ग्लास लगा दिया उन्होंने, ग्लास लगा दिया, तुम एक दूसरे को देख रहे हो, बात कर रहे हो, सब तुम्हारा होटलिंग में चल रहा है, डिस्टेंस भी है। ये सॉल्यूशंस आते रहेंगे, अपने को सीखना है इन सबसे, बट खुद का मॉरल हाई रख के सीखना है। तुमको हाई खा के मरना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारे जो पैशन है, म्यूजिक है, ड्रॉइंग्स है, योगा है, वो सीखो, घंटा भर उसमें डालो, तो तुमको लगेगा कि जीने का कुछ मतलब भी मिल रहा है। बिल्कुल। जिन लोगों से तुम सालों से नहीं मिले होंगे उनसे कम्युनिकेशन करो। देर आर व्हाट्सएप मीडिया है, जूम है, देर आर सो मेनी मीडिया है,
जो तुमको कम्युनिकेशन कर कर रखेगा. ऐसा जरूरी नहीं कि हम रोज घर में आकर मिलें. तो देर आर ऑप्शंस विच यू कैन स्टिल कम्युनिकेट विद यू, शेयर विद यू गुड थिंग्स विद यू. सो ये सब चीजें पॉसिबल है तुम्हारा अपबीट रख करने में. तो ये साल में हमको ये सब चीजें सीखना है. मतलब ये है कि कोरोना का जो लॉकडाउन है इसने बहुत कुछ जीने का अंदाज जो है इसमें अगर हम बदल लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसे हम हरा सकते हैं. और इतना ज्यादा पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है. जैसे आप खुद सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसमें घबराने की या बहुत ज्यादा इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है. और जो जरूरी सावधानियां हैं उनको अपनाकर अपना कोविड के साथ कैसे हम जिए उसकी एक आदत जो है अपने को पालने की जरूरत है. डॉक्टर साहब कुछ चीजें आपसे और भी हम जानना चाहेंगे. आप स्टेम सेल थेरेपी के जरिए आप इंडिया में बड़ा आपने काम किया हुआ है. अपने हॉस्पिटल के जरिए कैंसर के इलाज के लिए कई सारी उपलब्धियां आपके नाम पर हैं और ये हमें फख्र है कि आप नवी मुंबई से हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये पद्धति होती है जिसमें एक उम्मीद छोड़ चुके व्यक्ति को भी आप नया जीवन दे सकते हैं. ये काफी अच्छा प्रश्न है. इस प्रश्न में मैं गहनता बताऊंगा कि हम आज तक के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं कोई भी बीमारी हो ये 50 साल के अंदर के बीमारी के रेशियो बदलते हैं. हम यदि 50 साल के पहले के रोग लेंगे तो अलग थे, आज के रोग अलग है. जैसे हमारी लाइफ स्पैन बढ़ गया है तो हमारे को एजिंग डिजीज आ चुके, कैंसर आ चुका, ऑटोइम्यून डिजीज आ चुके, डायबिटीज आ चुका है, पार्किंसन आ चुका है, अल्जाइमर आ चुका है, इतनी डिजीज आ चुके. ये सब डिजीज हमारे मेन स्टैंडर्ड मेडिकल केयर में केयर नहीं कर सकते. हम केयर नहीं कर सकते बिकॉज इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस ड्रग से हो सकते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, उससे तो हमारा ज्यादा नुकसान होता है. तो हमने मेरे विचार से मैंने जो किया है कि मेरे थीम में देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है. वी कैरी और रिपेयरिंग किट्स इन आवर ओन बॉडी. हमारे बॉडी में जो वियर एंड टियर करने वाले किट्स होते हैं जिसे हम स्टेम सेल्स कहेंगे तो मास्टर सेल्स बोलेंगे और उसके बनने वाले जो द्रव होते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एक्सोसोम्स होते हैं, वही हमारे बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं. जैसे कि उदाहरण हमारा फ्रैक्चर हो गया, हमने प्लास्टर किया तो मैंने कोई अंदर जाकर वेल्डिंग नहीं किए तो हड्डी नहीं जुड़ा है, बोन मैरो नहीं जुड़ा है. इसका मतलब वियर टियर जो हमारे बॉडी में हो रहा है. तो यह सेल्स जो यूज करते हैं हम, ये उनकी जो इम्यून सिस्टम होती है जैसे नेचुरल किलर सेल है, डीसी सेल्स है, टी सेल्स है, इनके जो नेचुरल कैंसर को मारने की कैपेसिटी थी सेल्स में, कैंसर सेल्स को, तुम्हारे हमारे शरीर में रोज के कैंसर सेल बनते हैं मगर ये सेल्स उसको मारते हैं. तो हम उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं. Okay. और जैसे कि कितने भी कैंसर सेल बनो वो उसको टैकल कर सकते हैं, फिर उनको मार सकते हैं, उनको मार सकते हैं. जैसे कि डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, ये सेल्स, इवन कोविड के अंदर भी स्टेम सेल्स का काफी रोल बनता है. अच्छा. जैसे कि मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है. नेचुरल किलर सेल का मेन रोल क्या है हमारे बॉडी में, वायरस, कैंसर, ये दो टाइप के जो जीवाणु हमारे शरीर में हो सकते हैं, तो वायरस बन सकता आता है और दूसरा कैंसर के सेल बनते हैं. ये दोनों को मारने के लिए नेचर ने हमारे सेल में प्रोटेक्शन सिस्टम दिए. तो इसके यदि हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी तो हम कोविड को भी मात कर सकते हैं, कैंसर को भी मात कर सकते हैं. उदाहरणार्थ MSC बोल का हमारे सेल और एक जैसे मेसेनकाइमल स्टेम सेल बोल कर होते हैं जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. हम कुछ भी मार लगता है तो यही सेल जाके हमारा रिपेयर काम करते हैं. तो यही सेल यदि हम लंग्स में देते जहां पर ये वायरस जाकर डैमेज कर रहा है, यदि देते लंग्स में तो जाकर वो वायरस को भी मारेगा, वायरस की वजह से नुकसान जो हो रहा है उसको भी रिपेयर करेगा. और जो मैंने थोड़ी देर पहले कोविड के अंदर बताया कि हाइपर इन्फ्लेमेशन होता है जो इंटरफेरॉन गामा बढ़ने से, उसको भी सप्रेस कर देगा. अच्छा. तो ये स्टेम सेल एक तरह का अपने शरीर में दिए वाला भगवान का दिया हुआ एक पावरफुल मैजिक सेल है जिसको बोलूंगा मैं, जिसको हम मास्टर सेल बोलो, गॉड सेल बोलो, जिसकी पावर से भी हमको समझते हैं, बचाता अपने तो अपने बचा सकता है अंदर ही अंदर. इसको एक असर का हम कोविड में भी कर सकते हैं, रिपेयरिंग जॉब भी कर सकते हैं, डायबिटीज जैसे डिजीज भी ट्रीट कर सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज भी ट्रीट कर सकते हैं, कैंसर जैसे डिजीज भी ट्रीट कर सकते हैं. और वो बॉडी में हमारे पावर है पूरा, उसको हमको कैसा यूज करने का यदि इतना ही सीखना है, इतना ही सीखना है. एक सर और जो भी बात चल रही है इंडिया में कि अब कोरोना का इलाज जो है प्लाज्मा थेरेपी से होगा, आप स्टेम सेल थेरेपी को आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को नई जिंदगी दी है,
क्या वाकई प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज के लिए कारगर है और ये क्या है, इसे उपयोग किया जा सकता है? जैसे कि मैं बोलूंगा इनोवेशंस आर रिक्वायर्ड, इनोवेशंस है ना, उधर ही देख के बोलिए, इनोवेशंस आर रिक्वायर्ड। इनोवेशंस रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब नया बीमारी आया है हमारे पास में और उसको कोई अपने को उसकी सिम्टोमेटोलॉजी नहीं मालूम, उसका डिजीज प्रोफाइल नहीं मालूम, उसको ड्रग्स नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, तो ऐसे वक्त हमारे को इनोवेशंस पर सोचना बहुत जरूरी है। ये ड्रग्स तो काम नहीं कर रहा, क्या कर सकता है, अब इससे आगे क्या रास्ता है इसको रोकने का। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जब वायरस बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है वो वायरस को मारने के लिए, तो नेचुरल फिनोमेना है ना। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी कही आपने, मुझे प्रश्न पूछा है, ये उसी को हम अडाप्टिव इम्यून सिस्टम बोलेंगे। अच्छा, अडाप्टिव इम्यून सिस्टम, जो मरीज कोविड वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद में अच्छे हो गए तो उनके शरीर में इस तरह के एंटीबॉडीज का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो वो यदि एंटीबॉडीज हम मैचिंग ब्लड ग्रुप के लोगों से लेंगे और जिसको इन्फेक्शन है उसमें देंगे, तो हम उसकी अडाप्टिव इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देंगे जो वायरस को मारने में काम करेंगे। मगर उसमें थोड़े से एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होते हैं, डिफिनेशन होता है कौन से पेशेंट को सेलेक्ट किया जाए, कौन से डोनर को सेलेक्ट किया जाए, कौन से डोनर के एंटीबॉडी स्ट्रांग हो सकते हैं, कौन से डोनर्स के एंटीबॉडी का वॉल्यूम कितना है लिया जा सकता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी का रेशियो पर्टिकुलरली कोविड के अंदर बताना चाहूंगा मैं लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, 3 से 4 महीने तक एंटीबॉडी रहते बॉडी में, उसके बाद में एंटीबॉडीज कम हो जाते। तो वो सिलेक्शन ऑफ डोनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, उसको कौन से एंटीबॉडीज पेशेंट को, जैसे डायबिटिक पेशेंट है और हम उसके एंटीबॉडीज लेंगे, उसके एंटीबॉडीज में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो हमको हेल्दी पेशेंट के जो ज्यादा इन्फेक्ट हो चुके हैं उनमें ज्यादा एंटीबॉडीज मिलेंगे, तो वो एंटीबॉडीज लेकर हम यदि बीमार पेशेंट को देंगे तो फायदा जरूर होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज कारगर है एक तरह से, जैसा आपने कहा अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है और इसको उपयोग किया जा सकता है। नेचुरल एक तरह का नेचुरल तरीका है, सेल थेरेपी का भाई है, बस उसका ही एक तरह का नया एडवांस स्वरूप है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो प्लाज्मा थेरेपी है कहीं ना कहीं एक नेचुरल तरीका है जो पहले से ऑलरेडी है, अब उसको अडॉप्ट ह्यूमन आप तरीका कह सकते हैं जिसके जरिए उसका इलाज अभी संभव हो सकता है, क्योंकि वो आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देता है। डॉक्टर साहब, आपने इस जो आपने थेरेपी आपने स्टेम सेल थेरेपी आपने जो उपयोग किया है उसमें कई आपको अचीवमेंट्स कई मिले हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की अचीवमेंट रही है आपकी उस स्टेम सेल थेरेपी को लेकर, खासकर कैंसर के इलाज को लेकर, कि कई देशों से जो मैंने मुझे जो जानकारी है कि कई देशों से आपको इसके इस मामले में पुरस्कार भी मिले हैं, तो थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों को भी बताइए कि ये पुरस्कार किस तरह के रहे और क्या खास इसमें रहा जो और जगह नहीं हुआ है। जनरली एक बात होती है, जब कोई चीज हम पैशन से सीखते और करते हैं तो शायद तुम्हारे अचीवमेंट्स काफी बढ़ते हैं जब पैशन से करोगे। अभी ये स्टेम सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी अभी मेरे लाइफ का एक पैशन हो चुका है, जो करने में मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेडिकल केयर से लोग फेल होते हैं ट्रीटमेंट को, वही लोग इस थेरेपी में आते हैं और इस थेरेपी में आने के बाद में मैं इसमें काफी डिजीज पर रिसर्च कर चुका हूँ। मोर सो हम हड्डी के कुछ रोगों में, कैंसर के कुछ रोगों में, बीमारियों में हमने काफी प्रवीणता पाई है इलाज किए उसमें, पर्टिकुलरली हिप जॉइंट, जो यंग एज में जिनके हिप जॉइंट डैमेज होते हैं और जिनको हिप जॉइंट रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये जो प्रोटोकॉल मेरा है जो हिप जॉइंट बचाने का, रीजनरेट करते हैं हम इसको, ये US के ओहाइओ स्टेट यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में क्लिनिकल ट्रायल में है और इसमें कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोगों के मैंने जॉइंट बचाए जो यंग एज के होते हैं। यंग एज के होते हैं, वरना एक बार जॉइंट बदल लिया तो आदमी की जॉइंट पूरी उस तरह से, नी जॉइंट के भी प्रॉब्लम है उस तरह से, एक ल्यूकोडर्मा बोल का डिजीज होता है जिसमें व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, उसको भी इसमें से ट्रीटमेंट हो सकते हैं, काफी अच्छी हो सकती है इसमें ट्रीटमेंट हमारे पास करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जैसा कैंसर में पूछा आपने, जैसे कार टी सेल थेरेपी हमारे पास अभी डेवलप कर रहे हैं, NK सेल थेरेपी डेवलप कर रहे हैं सॉलिड ट्यूमर के अंदर, जैसे किडनी के कैंसर हो, लंग के कैंसर हो, ब्रेन के कैंसर हो, ऐसे कैंसरों में जहां पर कीमोथेरेपी काम नहीं करती है, रेडियोथेरेपी काम नहीं करती है, तो ये इम्यूनोथेरेपी
कॉम्बिनेशन ऑफ लिटिल केमोथेरेपी को लेकर यदि करेंगे तो आदमी की लाइफ एक दो साल तीन साल तक काफी अच्छी हद तक क्वालिटी लाइफ मिल सकती है। तो दो साल की भी लाइफ मिले आदमी को तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उस तरह से हमने काफी प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं इनके सेल थेरेपी पर, नेचुरल किलर सेल थेरेपी पर, सॉलिड ट्यूमर्स के ऊपर। अभी कार्टिसेली पर हमने कर रहे हैं, अभी उसका भी एक प्रोटोकॉल हमने डाला है। और सबसे दूसरा और एक हम जो नया ला रहे हैं जिसको हम TNT टेक्नोलॉजी बोलेंगे, TNT टेक्नोलॉजी में हमने टिश्यू नैनो ट्रांसफेक्शन, जिसके अंदर टिश्यू नैनो ट्रांसफेक्शन जिसमें हम ऑटोलोगस सेल्स, हमारे खुद के सेल्स जो स्किन के सेल्स है, स्किन के सेल्स हम ब्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायबिटीज के सेल में, बीटा सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही अपने खुद के सेल हमारी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन फ्यूचर में होगा अगले 5-10 साल में। अच्छा, उस पर काफी बड़ा हमारा काम चल रहा है फिलहाल। फिर दूसरा और एक है एक्सोसोम्स बोलते हैं, सेल्स कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो केमिकल भी हम ड्रग के वैसे यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सोसोम्स कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स बोलते हैं उसको, और ग्रोथ हार्मोन्स बोल सकते हैं जिसको हम, जिसको पेप्टाइड भी बोल सकते हैं हम उसको, नहीं तो साइटोकाइन्स, केमोकाइन्स, जैसे PRP प्लेटलेट से बनता है जो बहुत जगह हीलिंग में काम आ सकता है, जैसे कॉस्मेटिक में, हेयर ग्रोथ में काम आएगा, माइग्रेन से लोग परेशान होते हैं, तो कितनी दवाएं खाते कंट्रोल नहीं होता माइग्रेन, तो ये जो स्टेम सेल थेरेपी पर दो यदि इंजेक्शन ले लेंगे यहाँ पर, वो तो उनका परमानेंट माइग्रेन चला जाएगा, परमानेंट चला जाएगा माइग्रेन, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे एपिलेप्सी है, जैसे कन्वल्जन्स है, ज्वाइंट के प्रॉब्लम है, स्पाइन के प्रॉब्लम है, अंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोल के कंडीशन होती है, वो कंडीशन में भी हम पूरा रोग रुक जाता है उनका। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी मेसेनकाइमल स्टेम सेल का हमारे पास में इलाज होता है। जिनके बच्चों में, छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक डायबिटीज जिसे कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज जिसके पूरी लाइफ टाइम उनको दो बार का इंसुलिन लेना पड़ता है, तीन बार शुगर चेकअप करना पड़ता है, तो ये बच्चों की लाइफ 15 से 20 साल के अंदर किडनी फेलियर में पहुंच जाती है, ये तो आंखें चले जाती है 20-22 साल में। ऐसे बच्चों को यदि पैनक्रियास फिर से फंक्शन करने को मिल जाए और डायबिटीज इंसुलिन लेना बंद हो जाए, तो शायद उनके पेरेंट्स का कितना बड़ा नसीब खुल जाए, तो वो भी इलाज होता है हमारे पास में। फिर छोटे बच्चों में ऑटिज्म होता है जिसके अंदर सेरेब्रल पाल्सी होता है, तो इसमें आजकल डॉक्टर साहब मैं इसमें थोड़ा सा आपसे ज्यादा जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में इस तरह के ये जो तकलीफ है वो देखने के लिए मिल रही है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉलिसी, इस तरह की चीजों को क्या खास आपके यहाँ से इंतजाम चल? हमारे पास में, इसके पास में पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो बच्चों के हैं, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है। जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से ब्रेन जब डैमेज होता है तो सब सेल मर जाते नहीं है, कुछ मरते हैं, कुछ हाइपोक्सिक रहते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं, वो सेल्स को हम पूरा फंक्शनल बना सकते हैं हमारे पास का सैंडविच प्रोटोकॉल लेके, जिसमें हम इंटरनल मैल्यू ब्रेन का बदल देते हैं, जो ब्रेन को लगने वाले जैसे ग्रोथ फैक्टर्स हो, न्यूरल सेल्स हो, ऑक्सीजन हो, उसके स्टिमुलेशंस होते हैं अलग अलग टाइप के, वो देकर हम उसके अंदर फंक्शन वापस लाते हैं ब्रेन के लिए। ऑटिज्म में जो वेरियस सेंटर्स होते हैं ब्रेन के, स्पेशलिटी सेंटर्स होते हैं, स्पीच हो, इंटेलिजेंस हो, रिकॉग्निशन करने के हो, जो मेमोरी के हो, जो रिपीटेड बात करने के हो, ये सेंटर्स को हम फिर से फंक्शनल बनाकर फिर रिकनेक्ट करते हैं, जिसमें माइलिनेशन इंप्रूव होना जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रियल एक्शन इंप्रूव होना जरूरी है, डिसफंक्शन कम होना जरूरी है। तो ये सब चीजें हमारे पास के सैंडविच प्रोटोकॉल में हम करते हैं, जिस चीजों के लिए वर्ल्ड के हर कॉर्नर से पेशेंट आते हैं हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें आपने बताई, जो अभी कंडीशन है आपने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो भी लोग हैं जो इस वक्त पेंडेमिक में बहुत परेशान है, लॉकडाउन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर, या आप प्रशासन को भी किस तरह का सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या करें, और जो आम लोग हैं उन्हें किस तरह से सलाह देना चाहेंगे कि वो लोग क्या करें? ये जो लास्ट प्रश्न पूछा है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज तक के 2 महीने के एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि लॉकडाउन कुछ हद तक काम करता है, तो हमको उसके जो नियम दिए उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे हम। जो हॉटस्पॉट्स दिए वाले हैं वो हॉटस्पॉट्स को हम रिजर्व करेंगे और उसको मैनेज कर वहां के डिजीज रेशियो कम करेंगे,
तो शायद बहुत अच्छी तरह से हम इसमें से सेल हो जाएंगे। और तुम्हारी और हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पर्सनल केयर लेने का, कि जब को हमको मालूम है कि कोविड जाना नहीं है तो हमको सबको पर्सनल स्पॉटी पर्सनल केयर करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, उसके साथ जीना, जैसे मैंने कुछ नुस्खे बताए उसके साथ जीने के, वो अडॉप्ट करने के। जैसे अच्छी बातें सीखते हैं कुछ बुरी बातें सीखते हैं कोविड की वजह से, तो बुरी बातें सीखते छोड़ दो, अच्छी बातें ले लो। तो अच्छी बातें जो लेंगे तो हम इसके साथ में अच्छे से जाते। और जैसे कि प्रशासन कर रहा है, प्रशासन अपनी तरफ से हर तरह से पूरी मेहनत लगा के कर रहा है, तो हम एज ए नागरिक हमको उनको सहकार्य देना, कोऑपरेट करना जरूरी है, क्योंकि ये पेंडेमिक यदि जाना है तो ये दोनों का मिश्रण है, हमारा और प्रशासन का। हम दोनों ने मिलकर साथ मिलकर चलेंगे, जो एडवाइजेस दिए फॉलो करेंगे और पर्सनल केयर करेंगे, और जो प्रिकॉशन दिए कि पेंडेमिक के दरमियान हमको किस मेडिसिन को हैंडल करना है, डिजीज को प्रिकॉशनरी लेने के लिए गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, वो यदि हैंडल करेंगे, डिस्टेंस यदि रखेंगे, एल्डरली लोगों का यदि केयर करेंगे, तो शायद हम इसमें से इजीली निकल जाएंगे। जाते जाते हम जरूर बोलेंगे बी सेफ बी एट होम। जैसा कि देखा आपने, डॉक्टर प्रदीप महाजन साहब बहुत सारी जानकारी हमें दे रहे थे। उन्होंने एक बात जो खास तौर पर आपके लिए कही हुई है कि जो गाइडलाइंस आपको बचाव के लिए दिए गए हैं, जो मेडिकल जो गाइडलाइंस है, उसे आपको हर हाल में उसको अपनाना पड़ेगा। कुछ अच्छी आदतें जो आपको सेफ रख सकें, सुरक्षित रह सकें, आपको खुशहाल रख सकें और आपको शांत रख सकें, ताकि आपका फ्रस्ट्रेशन ना हो, आपको निराशा ना हो, आप में अवसाद ना हो, इस तरह की कुछ आदतें आपको अपनानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कुछ और भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं, आपने खुद सुने हैं, और जो प्रशासन के तरफ से जो एक जरूरत जो उन्होंने हाईलाइट की है, ये कि जितनी गंभीरता दिख रही है उस गंभीरता में पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है, बल्कि उसका सही इंतजाम करने की जरूरत है। तो उम्मीद है प्रशासन भी अपने हिसाब से जिस तरह के इंतजाम में लगाया हुआ है उसे थोड़ा सा और ज्यादा इंतजाम करेगा, और नागरिक के तौर पर जैसा कि आपने खुद बताया है कि आपको जो गाइडलाइंस दी गई है उसको फॉलो करना है, उसका पालन करना है, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और ये समाज भी सुरक्षित रहे। तो आज की बातचीत में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TV1 इंडिया।